यार रूबी का कितनी पास आ गया में रेडिएशन लग 15 मीटर है यहाँ से। मतलब भरतपुर में यही है कि हम एक स्पीशी कैप्चर कर रहे होते हैं तो दूसरी ऑलरेडी नज़र आ रही होती है और हम वो टेम्पटेशन फुलफिल नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों नहीं मिलते हैं फिर दोनों नहीं मिलते जैसे मेरे साथ हुआ था कॉमन टील के चक्कर में रेडी भी निकल गया। बहुत सुंदर लग रहा है करें तो क्या मेरी नानी खुश रहा। सरपेंट ईगल का इतनी देर वेट किया 15-20 मिनट और उसने क्या करा वो मुड़ गया एंड उड़ गया। ऐसे कौन करता है भाई। सो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था आई थॉट कि अब एवरी वीकेंड आई विल ट्राई टू कम और एटलीस्ट वंस इन अ 2 वीक आफ्टर दैट सक्सेसफुल ट्रिप विद ग्रुप्स एंड विदाउट ग्रुप्स जो भी है। बट व्हेन वी केम बैक रीच्ड बैक टू दिल्ली इट वाज अराउंड 8th of November व्हेन आई रीच्ड बैक टू दिल्ली देन इट वाज दिवाली टाइम एंड शॉपिंग टाइम फॉर एवरीवन। सो एवरीवन इज़ अवेयर आई गेस कि हुआ क्या। फिर हुआ ये कि दिल्ली में हो गया कोरोना विस्फोट डैट चेंज्ड एवरीथिंग। एक्चुअली जितने ग्रुप्स वगैरह मेरे स्केड्यूल थे वो सारे कुछ पोस्टपोन हो गए कुछ कैंसिल हो गए। घर में भी कुछ हेल्थ इश्यूज हो गया था थैंकफुली कोरोना नहीं था बट डैट टू टुक अराउंड 3 वीक्स 2 to 3 वीक्स टू बिकम नॉर्मल। बट नाउ आई एम हेयर अगेन आफ्टर 2 to 3 वीक्स एंड आई हैड टू कम विद अ ग्रुप बट देन अभी ये राइड्स वगैरह का जो चल रहा है दिल्ली बॉर्डर्स वगैरह पे उस वजह से ग्रुप तो नहीं आया। देन आई हैड टू केम विद 2 brothers उनमें से भी एक ही तबीयत ख़राब हो गई एंड नाउ आई एम हेयर इन भरतपुर बर्ड सेंचुरी विद सुष्मित ही इज़ डूइंग एंड सुष्मित जी के साथ आज मेरा सेकेंड डे है यहाँ पे बर्डिंग का। तो वही मैंने कहा कि कल मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया मैंने सोचा कि जो मिलना है पहले वो सब मिल जाए क्योंकि व्लॉग वगैरह तो नेक्स्ट डे मिल बन जाता है उसमें कोई इशू नहीं है लेकिन पहले एक्टिविटी वगैरह मिलना वो कैप्चर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल हमें काफ़ी अच्छे शॉट्स मिल गए अगेन कॉमन किंगफिशर के पायर्ड किंगफिशर के सरपेंट ईगल के बहुत अच्छे शॉट मिल गए। पोर्ट्रेट्स वगैरह थे सारा स्क्रीन थे उनके रिकॉर्ड शॉट मिले थोड़े दूर थे एंड उसके अलावा डक्स वगैरह बहुत बढ़ गई हैं पहले के कंपैरेटिवली। ये आपकी रेडी शेल्डक इस बार बहुत ज़्यादा है पिछली बार इतनी नहीं थी रेडी शेल्डक। देन डाटर का एक्शन शॉट वगैरह मिला एंड गॉट सम गुड हैबिटेट इमेजेस ऑफ स्पॉटेड डियर उनके भी एक्चुअली छोटे बच्चे हुए हैं तो दे आर स्पेंडिंग टाइम विद देम इन द ओपन तो फीडिंग करते हुए देन सनसेट के टाइम भी उनके शॉट हमें काफ़ी अच्छे मिले। एट टाइम्स वी थिंक कि यार एक स्पीशी है इसके कितने शॉट लेंगे बस हो गया यार पोर्ट्रेट ले लिए एक दो हैबिटेट शॉट ले लिए बस हो गया। बट कल कॉमन किंगफिशर के शॉट्स कैप्चर करने के बाद लगा कि नहीं यार एक स्पीशी के बहुत आप शॉट्स बना सकते हो जितने भी आपके माइंड में हैं। उसके हमने क्लोजअप लिए उसके हैबिटेट शॉट्स लिए देन आई कैप्चर इट इन फ्रंट ऑफ स्पॉटेड डियर देन आई कैप्चर विद फ्लावर्स एंड मतलब एक बर्ड के 4-5 तरीके के शॉट मैंने बनाए और उसमें ये नहीं है कि अभी उसका हो गया सारा अभी भी ऐसा है कि उनके आपको दोबारा मेरे को कभी शॉट मिलेंगे स्पीशी मिलेगी देन ऑब्वियसली आई विल कैप्चर।
पे इंडियन स्कॉप्स आउट है, शॉट दे भी रहा है बट आइस क्लोज है, नहीं रहा। इससे ज़्यादा पास जाना पॉसिबल है नहीं, और अच्छा भी है क्योंकि संडे है, वीकेंड में ज़्यादा लोग आते हैं। सो मेरे साथ हैं सुष्मित जी। हेलो सर। हाँ जी, क्या सर आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा, दो साल बाद यहाँ आया हूँ। इट्स बीन वेरी एजुकेशनल आई वुड से, बिकॉज मेरी नॉलेज दो साल पहले जो थी और आज जो है वो थैंक्स टू यू काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। एंड आई गेस जो जो सर ने बोला था वो उनको मिला है। हाँ, मेरे सब मतलब द नॉट सो कॉमन किंगफिशर के मैं सपने देखता रहता था, और यहाँ पर कम से कम 10 मोमेंट्स ऐसे मिले हैं हमें जहाँ पर हम कॉमन किंगफिशर की फ़ोटो खींच सकते हैं। निहायत ही अखड़ू, मतलब उसके सामने आके लोग चिल्ला चिल्लू रहे हैं, फिर भी इट स्टेड देयर एंड वी गॉट रियली गुड शॉट्स। ही एक्चुअली टॉट मी हाउ टू व्हाट सेटिंग्स टू यूज एंड गेट गुड शॉट्स, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द एजुकेशन दैट आई हैव गॉट। सो वही जैसे मैं बता रहा था कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो उसके बहुत सारे फ्रेम्स हम ले सकते हैं, हम लेते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि दो शॉट मिल गए, चार शॉट मिल गए, क्लोजअप मिल गया एंड हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। उसके अलावा भी आई गेस नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भाई सब्जेक्ट के जो आपने बात की अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, आई ऑलवेज यूज टू केक पोर्टफोलियो पिक्स, मतलब क्लोजअप ले लो, डिटेल्स ले लो, फेदर डिटेल्स ले लो, हैप्पी, बट वो तो हर कोई कर सकता है, बट दिस इज समथिंग वेर योर क्रिएटिविटी कम्स इन टू एक्शन, यू इमेजिन सर्टन थिंग्स एंड अलग अलग फ्रेम्स किस चीज़ में क्या क्या ऐड करके उसको एक्सेंचुएट कर सकते हैं, वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस बार, तो इट वॉज गुड फन। तो बाकी ओवरऑल ठीक रहा आई गेस, मेरे हिसाब से तो ठीक रहा, मेरे एंड से तो ठीक रहा, मेरे एंड से भी फैंटास्टिक रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अभी अब सनसेट का टाइम हो गया तो हम देख रहे थे कि आगे कुछ और गोल्डन आर शॉट्स लेंगे अब हम। हाँ, कुछ कल हमने काफी इंटरेस्टिंग डियर फैमिली शॉट्स लिए थे। हाँ, कल लास्ट मोमेंट पे मेरा जब वो सन के आगे सब्जेक्ट लेके मेरे को फोटो खींचने में बैटरी खत्म हो गई थी, मैंने भी फिर से रिचार्ज की है, आज तो मैं लेके रहूंगा। मैं यही कह रहा था कि सर का एंथू बहुत हाई है इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। बाकी अब जो भी है सर की इमेजेस भी आई विल ऐड इन द वीडियो एंड जो भी होगा, एंड आई विल ऐड हिज इंस्टाग्राम यूआरएल एज वेल, सो यू कैन फॉलो हिम, यू कैन सी हिज वर्क, ही इज ऑलरेडी डूइंग ग्रेट, आई एम लर्निंग, बट ऐसे लोग मिलते रहेंगे तो जिंदगी में हम जल्दी जल्दी आगे भी जाएंगे, अच्छे अच्छे और फोटोग्राफर्स बनेंगे, और ऐसे पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे तो हमें भी और ज़्यादा मज़ा आता है फिर सबके साथ आने में, अदरवाइज तो आई प्रेफर कमिंग अलोन और विद वेरी लिमिटेड पीपल। बट खैर वो तो बात की बातें हैं, अभी तो टाइम निकल रहा है, अभी तो शुरुआत है। हाँ अभी तो बहुत ट्रिप्स और साथ में मारनी है, दिस जस्ट भरतपुर, वी विल गो टू 10-15 मोर प्लेसेस, लर्न मोर थिंग्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मजा आएगा, क्या होता है देखते हैं। स्पेशल शाउट आउट टू मिस्टर शशांत अदलखा हु फेल अनवेल एट द लास्ट मोमेंट एंड कुड नॉट मेक इट, इफ यू वुड हैव बीन हियर हमारी खुशियां दुगनी से चौगनी हो गई होती, एक्चुअली आवर फन वुड हैव गॉन ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ, नॉट दैट this is less but his presence would have made it more, but we'll plan again with him again, yes, we'll yes, plan again for sure for sure. To ab hum jaate hain sunset ke liye, kuch dekhte hain images wagera milti hain to, and then we'll add in the video. ab ye Bharatpur mein kahan kahan kya hota hai pata nahi, ek ye spotted owlet aake baithi hai aur ye koi iski pata nahi, main to aise isko pehli baar baithe hue dekha hai, sunset ho raha hai piche and ye yahan pe baithi hui hai, शॉट ले लिए हैं सबने, रीज़न समझ नहीं आया, इंजर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मे बी नेचर है, ऐसे आ गया होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ पे सच तो। बाकी ये नहीं पता था कि आज का सनसेट एक आउटलेट के साथ होगा, विच इज़ गुड एक्चुअली, अ न्यू थिंग, अ चेंज, विल डेफिनेटली शेयर फोटोज एंड वीडियोज़।
इसमें तो कम दिख रहा है, अदरवाइज गोल्डन लाइट हो रखी है, बहुत ही प्यारी। एंड वही है कि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, हाउ यू वांट टू कैप्चर, व्हाट यू वांट टू कैप्चर। लाइक आई जस्ट कैप्चर्ड दिस शॉट।